लीगल प्रोस्टिट्यूशन उस दौर में अलाउ किया गया था। जो इंसान लीगल प्रोस्टिट्यूशन अलाउ करे, हम उसको बेस्ट रोल मॉडल क्यों माने? बड़े नुकसान से बेहतर है छोटा नुकसान। क्या सोच है रे तेरी? क्या आप अपनी बहन का मुता कराना पसंद करेंगे? अभी सवाल ही नहीं उठता ना, क्योंकि ये तो हराम करार दिया गया, इसको इस्लाम ने हराम किया। अच्छा, कुरान में मुता की इजाज़त किस आयत से है? सूरह निसा आयत नंबर 24 में लिखा है। किस आयत में मुता को हराम किया गया? मुता को हदीस में हराम किया गया। कुरान के अंदर मुता को हलाल करार दिया, लेकिन हराम करार कभी नहीं दिया। और हराम करार देने के लिए आपके पास सिर्फ हदीस है। कौल आपके हदीस कुरान से ऊपर हो गई है। अब बोल